तो दोस्तों आज मैं बाजरे की पूड़ी बनाऊंगी बगैर आलू मिलाए, बगैर गेहूं का आटा मिलाए, और वो भी फुली फुली क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी। मसाला भाई माला में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपको अपने परिवार को अपने हाथ से बना हुआ सिंपल टेस्टी बट हेल्दी खाना खिलाना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ले लेंगे सबसे पहले कुछ मसाले, और ये ले लिया मैंने आटा एक कटोरी। सबसे पहले गैस ऑन करके रख देंगे कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है पौना कटोरी पानी। जिस कटोरी से आटा लिया उसी कटोरी से मैंने पानी, पौना कटोरी पानी इसमें ऐड किया है दोस्तों। पानी उबल गया हमारा, अब इसमें कुछ मिलाएंगे मसाले। लो मीडियम मेरा फ्लेम है, और सबसे पहले हम इसमें मसाला डालेंगे हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, और ये है गरम मसाला घर का पिसा हुआ 1-2 चुटकी है ये, और ये है आपका जीरा पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी ये भी 1/2 छोटा चम्मच, चाट मसाला इसे बहुत चटपटी पूड़ी बनेगी 1/2 छोटा चम्मच है, और ये 2 बड़े चम्मच में मैंने लहसुन के 2-3 कलियाँ और 2 हरी मिर्च पीस के डाला है। तो टोटल जो है इसमें पानी डल गया दोस्तों 1 कटोरी। जिस कटोरी से आटा उसी कटोरी से पानी, ये ध्यान रखना है। तो पहले पानी थोड़ा सा कम डालिए 1 कटोरी से, 1-2 चम्मच। ये सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया। सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच के करीब में हम इसके अंदर देसी घी भी ऐड करेंगे। ये देखिए सबको मिला लेंगे। 1 कटोरी जो आटा है वो भी हम इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्सिंग के टाइम में हमारा जो गैस होगा बिल्कुल स्लो पर रहेगा। तो इस तरह से करछी से चलाते हुए सब मसालों के संग आटा अच्छे से मिक्स करेंगे। प्रॉपर चलाना है आटे को, और यहीं पर आटे को हमने अच्छे से पूरा गूंद लेना है। जैसे नहीं होता है पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा आटा, डो की तरह तैयार हो जाएगा, जो हमारा नॉर्मल आटा होता है वैसे तैयार हो जाएगा। ये देखिए गैस मैंने इस टाइम में कर दी है ऑफ। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, जिससे कि और भी अच्छे से आटा अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसमें हम प्लेट में निकाल लेंगे, इसको गूंदेंगे। थोड़ी देर गूंदना है इसको, 5 मिनट, और हल्का गर्म है ये, बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं गूंदना है। हल्का सा इसको ठंडा कर लिया हमने, जिससे कि हमारा हाथ इसको सह पाए। और फिर से इसके अंदर मैंने 1/2 छोटा चम्मच के करीब में देसी घी इसके अंदर मिलाया है, और इसको मैं गूंद रही हूँ। अब इसमें क्या होगा, हमारी पूड़ी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बनेगी क्रिस्पी। आपको जब आप पूड़ी तैयार करेंगे तो आपको किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐसे ही इतना पसंद से खाएंगे। ये आटा हमारा तैयार हो गया, ऊपर से घी अप्लाई कर देंगे जिससे ये सूखे नहीं, और एक कॉटन के रुमाल से मैं इसको ढक दे रही हूँ। कोई और कॉटन का कपड़ा हो उससे भी आप ढक सकते हैं। चलिए तलने के लिए तेल ले लेते हैं। आप चाहें तो देसी घी में भी तल सकते हैं। गैस ऑन कर दी, उधर मेरा तेल गर्म हो रहा है। इधर मैं पूड़ी की लोइयां निकाल लूँगी, पेड़े बना लूँगी, छोटे छोटे पेड़े निकाल लिए नींबू के आकार के। अब मैं इसको पूड़ी बेल लूँगी। अगर आपको बिल्कुल गोल पूड़ी बेलनी है तो आप कटोरी से भी इसको कट कर सकते हैं, तो जिससे आपको बिल्कुल गोल गोल पूड़ियाँ निकल जाएंगी। मैं सिंपल बेल रही हूँ, ये देखिए बेल बेल के मैंने प्लेट में निकाल लूँगी, और फिर मैं एक साथ फ्राई करूँगी। चलिए मैंने बेल लिया, तेल मेरा अच्छा गर्म हो गया। हाई फ्लेम पर तेल गर्म करके लो मीडियम मैंने कर लिया है। चलिए पूड़ियों को तल लेते हैं। एक तरफ डाल के थोड़ा सा इंतज़ार करना है, इस तरह से घुमाते हुए पूड़ी को पलट लेना है। देखिए मेरी फुली फुली पूड़ियाँ बाजरे की क्रिस्पी तैयार हो गई, बगैर किसी चीज़ के मिलाए हुए। अब इसे आप रायते से, दही से, साग से, चटनी से, किसी भी चीज़ से इसको खा सकते हैं, दाल से भी खा सकते हैं। चलिए गोल्डन हो गई हैं पूड़ियाँ मेरी, इसको अब निकाल भी लेंगे हम। ये हमने बाजरे की पूड़ी निकाल ली, सेकंड पूड़ी हमने डाल दी। कढ़ाई मेरी छोटी है, इस करके मैं 1-1 तल रही हूँ।
इसी तरह से सारी पूड़ियाँ तल लेंगे। आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक करना तो बनता ही है। मेरे मोटिवेशन के लिए आप चैनल को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।